मानावाला ईद के पहले रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। मानावाला के पार्क जॉयलैंड में अवाम का काफी रश नजर आ रहा है। बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन सभी ईद का मजा दुबाला करने के लिए पार्क में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान सुहेल से। जी अदनान सुहेल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। आज मुल्क भर की तरह मानावाला में भी जो ईद अल फितर है वो इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। फरजंदान इस्लाम ने माह सियाम में रोज़े रखने, इबादत करने के बाद आज ईद अल फितर की नमाज अदा की है। ईद अल फितर की नमाज अदा करने के बाद शहरियों ने जो बेहतरीन खाने नाश्ते का अहतमाम घरों में किया था, उसके बाद ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। अगर बात की जाए पार्क्स में रश की तो यहाँ पर बच्चे, बड़े, मर्दों, खवातीन सभी ही नज़र आ रहे हैं और इन ईद का जो मज़ा है उसको दुबाला कर रहे हैं। बात की जाए बच्चों की तो बच्चों ज़्यादातर स्केटिंग ले रहा है, कोई कश्ती रानी कर रहा है और कोई जंपिंग करने में मसरूफ़ है। और कंटीन पर भी काफ़ी रश दिखाई दे रहा है जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें खा के वक्त गुजार रहे हैं और लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि वो ईद का कैसे गुजार रहा है। बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। मैं अपने चाचू के साथ आया हुआ हूँ और स्केटिंग कर रहा हूँ, झूले ले रहा हूँ और खा पी रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मैं अपने चाचू के साथ इधर ईद का मजा दुबाले करने के लिए पार्क में आया और यहाँ पर मैंने स्केटिंग की है, झूले लिए हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के तीनों दिन भी हम इसी तरह मसरूफ़ रहेंगे और ईद का मजा दुबाला करने के लिए पार्क्स और दूसरी जो तफरीगाह पॉइंट हैं उसमें का रुख करेंगे। जी।